नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बोल बोल। दोस्तों आज का वीडियो में हम जानेंगे ये जो LNT का यू पावर ब्रेकर आप देख रहे हैं, अगर इसी टाइप का ब्रेकर आपके एरिया में है तो आज का वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रेकर अगर क्लोज नहीं हो रहा है तो आपको क्या चेक करना है, क्या रीजन की वजह से ब्रेकर क्लोज नहीं होता है। मैं पूरा आपको डिटेल में समझाने वाला हूं दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि ब्रेकर अगर क्लोज नहीं हो रहा है तो आपको क्या चेक करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करेंगे। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि कुछ ब्रेकर में कुछ सेफ्टी इंटरलॉक्स रहते हैं, तो वो भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि ये यू पावर ब्रेकर का सेफ्टी इंटरलॉक्स क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, मैं आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगा। दोस्तों जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि ब्रेकर अगर क्लोज नहीं हो रहा है तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि ब्रेकर इलेक्ट्रिकली क्लोज नहीं हो रहा है या मैकेनिकली क्लोज नहीं हो रहा है। तो मान लीजिए कि अगर आपका ब्रेकर मैकेनिकली क्लोज नहीं हो रहा है, ब्रेकर अगर मैकेनिकली क्लोज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिकली भी क्लोज नहीं होगा, क्योंकि उसका मैकेनिज्म में कुछ प्रॉब्लम आ गया। इसलिए मैकेनिकली क्लोज नहीं हो रहा है मतलब इलेक्ट्रिकली भी क्लोज नहीं होगा। मैकेनिकली क्लोज क्या है दोस्तों? मैकेनिकली क्लोज यानी अगर आप उसका जो ऑन पुश बटन उसको दबाते हैं फिर भी ये क्लोज नहीं हो रहा है, तो ये हो गया आपका मैकेनिकली क्लोज। तो अगर आप ये यू पावर ब्रेकर का ऑन पुश बटन को दबाते हैं फिर भी ब्रेकर क्लोज नहीं हो रहा है तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं? तो 6-7 रीजन रहते हैं दोस्तों। सबसे पहला रीजन है दोस्तों उसका जो आर्कचूट है, दोस्तों ब्रेकर का जो आर्कचूट वो अगर सही पोजिशन में नहीं होगा, थोड़ा सा लूज होगा या आपने आर्कचूट नहीं लगाया होगा तो ब्रेकर कभी भी क्लोज नहीं होगा। ये एक सेफ्टी इंटरलॉक है दोस्तों, यू पावर ब्रेकर का ये एक खास तरीके का सेफ्टी इंटरलॉक से। तो आपको ब्रेकर क्लोज करने से पहले आर्कचूट को लगाना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में पूरा डिटेल में दिखाया था, वो प्रैक्टिकल वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको यू पावर ब्रेकर का सारे पार्ट्स उसी वीडियो में मैंने दिखाया था कि कैसे आर्कचूट को हम खोल देते हैं तो ब्रेकर क्लोज नहीं होता है। मैं पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाया था, उसी वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगा। उसी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाए उसी वीडियो को भी देख लें। तो एक रीजन होता है दोस्तों अगर आर्कचूट ओपन कंडीशन में है या आर्कचूट सही पोजीशन में नहीं होगा तो ब्रेकर कभी भी क्लोज नहीं होगा, चाहे आप जितना कोशिश कर ले ऑन पुश बटन को प्रेस कर ले ब्रेकर कभी भी क्लोज नहीं होगा। सेकेंड रीजन और एक रीजन है दोस्तों, अगर ब्रेकर का अंडर वोल्टेज रिले वो लाइन में होगा तो कभी भी ब्रेकर क्लोज नहीं होगा, क्योंकि अंडर वोल्टेज रिले अगर सेंस करेगा कि अंडर वोल्टेज है, अंडर वोल्टेज कंडीशन में कभी भी ब्रेकर को क्लोज होने नहीं देगा। तो ये भी चेक कर ले अंडर वोल्टेज रिले लाइन में है या नहीं। अगर अंडर वोल्टेज रिले लाइन में है और आप ब्रेकर को क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी अगर आपका ब्रेकर का इनपुट में कुछ भी सप्लाई नहीं है तो ब्रेकर को आप क्लोज नहीं कर सकते, ये है अंडर वोल्टेज रिले का फंक्शन। तो आपको देखना पड़ेगा कि ब्रेकर का अंडर वोल्टेज रिले लाइन में है या नहीं है। अगर आप क्लोज करना चाहते हैं तो आपको एनर्जाइज करना पड़ेगा अंडर वोल्टेज रिले को, उसको बाईपास करके ही आप ब्रेकर को क्लोज कर सकते हैं, नहीं तो ब्रेकर को क्लोज नहीं कर सकते। और क्या रीजन है दोस्तों? अगला रीजन हो सकता है अगर स्प्रिंग चार्ज नहीं हुआ होगा तो कभी भी ब्रेकर क्लोज नहीं होगा। उसका एक इंडिकेटर रहता है, स्प्रिंग चार्जिंग हो जाने के बाद वो इंडिकेटर आपको क्लियरली डिस्प्ले में आ जाएगा, तो वो भी आपको चेक करना है कि स्प्रिंग चार्जिंग हुआ है कि नहीं। अगर स्प्रिंग चार्जिंग नहीं हुआ होगा तो कभी भी ये ब्रेकर क्लोज नहीं होगा। तो सबसे पहले स्प्रिंग को चार्ज करें, उसके बाद ही आप ब्रेकर को क्लोज कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ब्रेकर अगर स्प्रिंग चार्ज नहीं होगा तो कभी भी ब्रेकर क्लोज नहीं होगा, ये आपको देखना है दोस्तों। मैं LNT का यू पावर ब्रेकर के ऊपर बात कर रहा हूँ, ये जो सारे पॉसिबल कॉजेस मैं आपको समझा रहा हूँ ये LNT यू पावर ब्रेकर के ऊपर है। अगर आपका एरिया में LNT का यू पावर ब्रेकर है तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट है आर्कचूट अगर ओपन होगा तो कभी भी ब्रेकर क्लोज नहीं होगा, अंडर वोल्टेज रिले अगर सेंस कर रहा होगा तो कभी भी ब्रेकर क्लोज नहीं होगा, और थर्ड पॉइंट है दोस्तों अगर स्प्रिंग चार्ज ही नहीं होगा तो कभी भी ब्रेकर क्लोज नहीं होगा। तो ये तीनों फास्ट चेक कर ले। पर फोर रीजन है दोस्तों, अगर ब्रेकर मान लीजिए ट्रिप हो गया है और आपने ब्रेकर का जो ट्रिप रिसेंट लिंक रेड वाला बटन एक रहता है उसको अगर आपने रिसेट नहीं किया है
तो ब्रेकर कभी भी क्लोज नहीं होगा। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में ये प्रैक्टिकल करके आपको दिखाया था, ब्रेकर ट्रिप हो गया था, उसका जो ट्रिप रिसेट लिंक वो बाहर निकल आया था, उसको हमने रिसेट नहीं किया था तो ब्रेकर क्लोज नहीं हो रहा था, जब हमने उसको रिसेट कर दिया तो ब्रेकर क्लोज हो गया। तो सेम टाइप का आपको ये भी चेक करना है कि ब्रेकर ट्रिप हुआ हो या ना हुआ हो, अगर ट्रिप रिसेट लिंक बाहर निकल आया है तो आपको ये भी चेक करना है, उसको आप रिसेट करना है। अगला रीजन है दोस्तों, स्मार्ट रैकिंग शटर इज ओपन, यानी जो ब्रेकर को आप रैकिन रैकआउट करते हैं, हैंडल लगाते हैं, हैंडल को घुमा के आप लोग ब्रेकर को रैकिन रैकआउट करते हैं, तो जैसे ही आप उसी हैंडल को उधर से निकाल देते हैं तो क्या होता है, वो जो एक शटर रहता है वहाँ पे, वो शटर ऑटोमेटिक क्लोज होता है। अगर ये शटर क्लोज नहीं होगा तो आप जितना कोशिश कर ले ब्रेकर कभी भी क्लोज नहीं होगा, तो ये भी आपको चेक करना है, ये भी आपको चेक करना है। जैसे ही आप रैकिन हैंडल को आउट करते हैं तो तुरंत शटर बंद हो जाना चाहिए, अगर शटर बंद नहीं हो रहा है तो ब्रेकर कभी भी क्लोज नहीं होगा, ये भी आपको चेक करना है। और एक रीजन हो सकता है दोस्तों, ऑफ बटन इज लॉक्ड, यानी आपका जो ऑफ पुश बटन है अगर वो प्रेस होके रह गया है तो कभी भी ब्रेकर क्लोज नहीं होगा, तो ये भी आपको चेक करना पड़ेगा ऑफ बटन सही पोजीशन में है या नहीं। वो पुश होके रह गया है तो आपको पहले उसको अनलॉक करना पड़ेगा, नॉर्मल पोजीशन पर लाना पड़ेगा, उसके बाद आप पुश बटन दबाएंगे, ऑन पुश बटन को दबाएंगे तभी ब्रेकर क्लोज होगा। नंबर 7, मैकेनिकल इंटरलॉक डिजेबल क्लोजेस, यानी अगर कुछ मैकेनिकल इंटरलॉक है तो भी आपको चेक करना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, यू पावर ब्रेकर क्लोज क्यों नहीं हो रहा है उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिला होगा। तो वीडियो को मेरे साथ अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हमारा इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बोल बोल। नमस्कार।